नमस्कार, जय मां भारती। दोस्तों, अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा, जिससे कि आपको भविष्य में आने वाले एपिसोड्स का नोटिफिकेशन मिल सके। December 25, 1972, दुनिया भर में आज क्रिसमस की छुट्टी थी और छुट्टी के इस दिन दिल्ली के कोटला स्टेडियम में इंग्लैंड और इंडिया का टेस्ट मैच चल रहा था। इंग्लैंड 5 टेस्ट की सीरीज खेलने भारत आया था। आज पहले मैच का आखिरी दिन था और भारत के लिए जीतना काफी मुश्किल लग रहा था। चौथे दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड 3 विकेट के नुकसान पर 106 रन बना चुका था और मैच जीतने के लिए उसे मात्र 100 रन और चाहिए थे। England leading 101 runs with 7 wickets in hand. दिन की शुरुआत होते ही 45 रन पर खेल रहे बैरीवुड बिशन सिंह बेदी की बॉल पर कैच आउट हो जाते हैं और इस विकेट के साथ स्टेडियम में मौजूद हजारों भारतीयों की सोई हुई उम्मीदें एक बार फिर जाग जाती हैं। इस भीड़ के बीच स्टेडियम के वेस्ट साइड में 2 सरकारी कर्मचारी भी बैठे हुए थे, जो बहुत ही जरूरी बातें करने में लीन थे, लेकिन इस विकेट के गिरते ही वो भी अपनी बातें छोड़ मैच देखने में लग जाते हैं। क्या लग रहा है, जीतने का कोई चांस है? सफेद शर्ट पहने इनमें से एक आदमी ये पूछता है तो उसके साथ ग्रे शर्ट में बैठा जूनियर ऑफिसर उत्तर देता है, अरे कहाँ सर, अब वो टोनी क्रैग आएगा और पिच के ऊपर खूंटा गाड़ के खड़ा हो जाएगा। अगले 2-3 ओवर में उसके विकेट ले ली तो ले ली, वरना इंग्लैंड का मैच है, कोई चांस नहीं हमारा। अरे नहीं नहीं, जीत जाएंगे यार, देखना बॉल स्पिन हो रही है। क्या बात कर रहे हो सर, इंग्लैंड को बस 100 रन चाहिए और अभी तो साला पूरा दिन पड़ा है। ये मैच आज से पूरे 50 साल पहले हो रहा था। यदि आज हो रहा होता तो ये दोनों अफसर एक दूसरे के साथ नहीं बल्कि प्रोबो ऐप पर अपनी क्रिकेट ओपिनियन शेयर कर रहे होते और ऐसा करके खूब पैसा भी कमा रहे होते। प्रोबो, इंडिया का पहला ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, जहां अपना ओपिनियन हाँ या ना में देके आप रोज बड़े प्रॉफिट जीत सकते हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले इंडिया ऑस्ट्रेलिया का दूसरा टेस्ट मैच खत्म हुआ, प्रोबो ऐप में सवाल पूछा गया कि क्या रविंद्र जडेजा 5 या उससे ज्यादा विकेट ले पाएंगे। मैंने अपने उत्तर में यस सेलेक्ट किया और सिर्फ ऐसा करने मात्र से मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट प्राप्त हुआ। प्रोबो ऐप में आपको हर तरह की कैटेगरी मिल जाएंगी, जैसे कि क्रिकेट, यूट्यूब, क्रिप्टो, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी एंड फाइनेंस, जिनमें 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग अपनी ओपिनियंस दे प्रतिदिन बड़े प्रॉफिट जीत रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस ऐप पर पूछे जाने वाले सवाल बहुत ही सिंपल होते हैं, जैसे कि ये एक सवाल है, इंडिया टू विन द टेस्ट सीरीज अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। अब मुझे लगता है कि इंडिया जरूर जीतेगी तो मैंने यस सेलेक्ट कर लिया और क्वांटिटी को भी बढ़ा दिया, जिससे कि मेरा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो सके। प्रोबो ऐप पर जीतने के बाद आप अपना प्रॉफिट बहुत ही आसानी से फोन पे, पेटीएम, गूगल पे या फिर अपने बैंक अकाउंट के जरिए निकाल सकते हैं। तो फिर इंतजार किस बात का है? अगर आपके पास किसी भी मुद्दे पर ओपिनियन है तो उसे अपने मोहल्ले के गली नुक्कड़, व्हाट्सएप ग्रुप या फिर सोशल मीडिया पर वेस्ट मत कीजिए, बल्कि प्रोबो ऐप पर इन्वेस्ट कीजिए। डिस्क्रिप्शन में दिए गए विशेष लिंक का प्रयोग करने पर आपको पूरे 25 रुपए का वेलकम बोनस भी मिलेगा। अभी के अभी डाउनलोड कीजिए। हजारों की भीड़ में बैठे 2 भारतीय जो सामान्य लोगों की तरह एक दूसरे से क्रिकेट के ऊपर बहस कर रहे थे, असल में इन दोनों के बारे में कुछ भी सामान्य नहीं था, क्योंकि आम से दिखने वाले आदमी सरकारी ऑफिसर्स तो थे लेकिन R&AW के। R&AW के 2 ऑफिसर जिन्होंने 1 साल पहले पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने में एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 2 राष्ट्रवादी मास्टर स्पाइस जिन्हें अभी कुछ दिन पहले ही एक नया कोवर्ट ऑपरेशन लॉन्च करने का आदेश दिया गया है। R&AW के इन दोनों ऑफिसर्स को एजेंसी के चीफ आर एन काओ ने खुद अपने हाथों से चुना था और इसका एक बहुत अच्छा कारण भी था। उत्तर पूर्वी भारत में फैला इनके अंडर कवर एसेट्स का एक अत्यंत विशाल काय और प्रभावशाली नेटवर्क जिसका प्रयोग कर R&AW अपने छोटे से इतिहास के सबसे महत्वाकांक्षी मिशन को लॉन्च करने वाली थी। मिशन जिसका उद्देश्य 1971 की तरह एक नए देश का निर्माण करना नहीं बल्कि एक नए देश का निर्माण होने से रोकना था। एक मिशन जिसके द्वारा आरएन काओ और उनके मुट्ठी भर एजेंट्स की एक अत्यंत शातिर टीम सिक्किम के राजा को उसके सिंहासन से विस्थापित करने वाली थी। एक मिशन जो चाइनीज और यूएस इंटेलिजेंस की नजरों में धूल झोंक सिक्किम को भारत के 22वें राज्य का दर्जा दिलाने वाला था। R&AW के इतिहास का आज तक का सबसे बड़ा कोवर्ट पॉलिटिकल मिशन, जिसे नाम दिया गया था ऑपरेशन ट्वाइलाइट।
बांग्लादेश। इस इस्लामी गणराज्य के निर्माण को यदि इंदिरा गांधी की राजनीतिक लोकप्रियता का शीर्ष बिंदु माना जाए गलत नहीं होगा। भारत की इतनी बड़ी जीत से जहां पूरे देश में बहुत ज्यादा खुशी का माहौल था, वहीं RNDAW जानती थी कि इस जीत के कुछ बहुत ही गंभीर साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन भारत से बहुत ज्यादा नाराज हो गए थे। असल में अमेरिका याया खान का इस्तेमाल कर ईस्ट पाकिस्तान की जमीन से कम्युनिस्ट चीन को काउंटर करना चाहता था, और अब श्रीमती गांधी ने उसके इन सभी अरमानों पर पूरी तरह पानी फेर दिया था। उधर दूसरी तरफ खुद चीन था जिसने अपने दोस्त पाकिस्तान के 93,000 फौजियों को भारत के सामने हथियार डालते देखा था और बिल्कुल चुपचाप देखा था, और इसीलिए अब वो भी भारत से बहुत ज्यादा खार खाए बैठा था। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और उनके सलाहकार जानते थे कि ये समय उत्सव मनाने का नहीं है, बल्कि और भी ज्यादा सावधानी बरतने का है, क्योंकि घरेलू स्तर पर अभी भी कई सारी बड़ी बड़ी चुनौतियां उनके सामने सर उठाए खड़ी थीं, और ऐसी एक चुनौती का नाम था सिक्किम। तिब्बत और भूटान के बॉर्डर पर बसा एक राजतंत्र जहां राजनैतिक अराजकता और नेपाली मूल के हिंदुओं के साथ होने वाला भेदभाव दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। चौदह अगस्त 1947 की शाम भारत में कोई 600 पेनिसिलिन स्टेट्स थीं। इन 600 में 566 भारत की धरती पर थीं और बाकी पाकिस्तान की। अब भारत के अंदर आने वाले 562 राज्यों ने तो 14 अगस्त की शाम तक यूनियन ऑफ इंडिया में शामिल होना स्वीकार कर लिया था, लेकिन चार राज्य अभी भी ऐसे थे जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के ऊपर साइन करने को तैयार नहीं हो रहे थे। इन राज्यों के नाम थे जम्मू एंड कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़ और सिक्किम। नेहरू जानते थे कि पूरे भारतवर्ष में केवल एक ही राजनेता ऐसा है जो इन प्रिंसली स्टेट्स को भारत में शामिल होने के लिए मना सकता है, एक राजनेता जिसके नाम मात्र से ही बड़े बड़े राजाओं और नवाबों के पसीने छूट जाया करते थे। लौह पुरुष के नाम से बुलाए जाने वाले इस राजनेता का नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार पटेल और उनके संवैधानिक सलाहकारों की नजरों में सिक्किम का भी वही दर्जा था जो बाकी 562 स्टेट्स को दिया गया था, और उनके अनुसार सिक्किम को चुपचाप भारत में शामिल हो जाना चाहिए था, लेकिन जवाहरलाल नेहरू के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। सरदार पटेल के कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर BN राव के लीगल एनालिसिस के अनुसार सिक्किम उन सभी मानदंडों पर पूरा उतर रहा था जो भारत में शामिल होने के लिए आवश्यक थे, और इसीलिए सरदार पटेल चाहते थे कि सिक्किम को भी बिल्कुल वही दर्जा दिया जाए जो बाकी प्रिंसली स्टेट्स को दिया गया है। लेकिन नेहरू इसके लिए तैयार नहीं हो रहे थे। वो सिक्किम को एक विशेष दर्जा देने पर अड़े हुए थे क्योंकि वो किसी भी कीमत पर चीन को नाराज नहीं करना चाहते थे। सरदार पटेल के लाख विरोध करने के बावजूद भी नेहरू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने एक रेजोल्यूशन प्रस्तुत कर देते हैं। भूटान और सिक्किम के स्टेटस का परीक्षण करने के लिए प्रस्तुत किए गए इस रेजोल्यूशन की वकालत करते हुए नेहरू कहते हैं, भूटान एक तरह से भारत के संरक्षण में आने वाली अलग स्टेट है और सिक्किम एक तरह से भारतीय स्टेट है लेकिन दूसरे राज्यों से अलग। नेहरू का यह निर्णय सिक्किम में प्रजातंत्र के सपने देख रहे राजनीतिक दलों के मुंह पे एक तमाचे की तरह लगता है। इस निर्णय का मतलब ये था कि भारत सरकार को सिक्किम के चोग्याल यानी महाराजा का समर्थन तो करना ही था, लेकिन साथ ही उसके तख्त को बचाए रखने के लिए अगले 25 वर्षों तक उसके विरोधियों और प्रो डेमोक्रेसी आवाजों को दबाकर भी रखना था। At 4 p.m. on the 16th of December 1971, Lieutenant General A.A.K. Niazi signed the instrument of surrender and placed himself and his troops under the command of Lieutenant General J.S. Arora. बांग्लादेश में मिली जीत के घोड़े पर सवार इंदिरा गांधी 1972 में राजनीतिक लोकप्रियता के चरम पर पहुंच चुकी थीं। वो जानती थीं कि अतीत की गलतियों को सुधारने का इससे अच्छा मौका दोबारा नहीं आने वाला, और इसीलिए अब वो अपना सारा ध्यान सिक्किम के ऊपर केंद्रित करने का निर्णय करती हैं। इस समय उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे PN धर से बात करते हुए एक दिन श्रीमती गांधी कहती हैं, धर साहब मैं जानती हूँ कि सिक्किम को भारत में न मिला पिताजी ने बहुत बड़ी गलती की थी। उन्हें शायद ये लग रहा था कि अगर वो सिक्किम को नहीं छेड़ेंगे तो चीन भी तिब्बत को हाथ नहीं लगाएगा, लेकिन अब उस गलती को ठीक करने का समय आ गया है। काओ साहब को बुलवाइए। पिछले कुछ सालों से चोग्याल सिक्किम को भी भूटान की ही तरह विशेष दर्जा दिए जाने यानी के फुल सॉवरेनिटी की मांग कर रहा था,
और इसका कारण था 67 में चीन को भारतीय फौज के हाथों मिली एक छोटी सी ही सही लेकिन अत्यंत शर्मनाक हार। ग्यारह सितंबर 1967 की सुबह इंडियन आर्मी के कुछ जवान और इंजीनियर्स नाथुला से लेकर सैबुला तक फैले इंडो चाइना बॉर्डर पर बाड़ लगाने का काम कर रहे थे। इन जवानों को सुरक्षा प्रदान करने का जिम्मा दो ग्रेनेडियर्स के लेफ्टिनेंट कर्नल राय सिंह यादव को सौंपा गया था जो अपनी प्लाटून के साथ नाथुला के ठीक सेंटर में पोजीशन लिए हुए थे कि तभी बिना किसी उकसावे के चाइनीज बंकर से एक सायरन की आवाज आती है और फिर अचानक ही भारतीय फौज के ऊपर मीडियम मशीन गन से ताबड़तोड़ फायरिंग होने लगती है। चारों तरफ खुला इलाका होने के कारण भारतीय फौजियों को आसपास कहीं कवर नहीं मिल पाता और चीन की इस फायरिंग में भारत के कई जवान वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। जब पीएलए की तरफ से आर्टिलरी का इस्तेमाल किया जाने लगता है तब भीषण प्रत्युत्तर देते हुए भारतीय साइड से भी भारी गोलाबारी शुरू कर दी जाती है। दोनों साइड से हो रही ये फायरिंग और गोलाबारी अगले तीन दिनों तक ऐसे ही चलती रहती है। तीसरे दिन का अंत होने तक चीन के फौजी अपनी पोजीशन छोड़ वापस भागना शुरू कर देते हैं और सीज फायर की घोषणा होने तक पीएलए के कुल 340 फौजी मारे जा चुके होते हैं। चीनियों के दांत खट्टे कर उन्हें वापस धकेलने के लिए लेफ्टिनेंट कर्नल यादव को महावीर चक्र से सम्मानित किया जाता है और आज 55 साल बाद भी हर भारतीय फौजी उन्हें टाइगर ऑफ नाथुला के नाम से जानता है। १९६२ में भारत को बुरी तरह हराने के केवल 5 साल बाद चीन को लगा था कि नाथुला पास के ऊपर कब्जा करना उसके लिए केक काटने जैसा होगा लेकिन इस बार ड्रैगन गलत सोच रहा था। इस बार भारतीय ट्रूप्स के हाथों उसके सैकड़ों फौजी तो मारे ही गए थे लेकिन उसे अपने कई बंकर्स और महत्वपूर्ण पोस्ट से भी हाथ धोना पड़ गया था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चीन को भारी शर्मिंदगी उठानी पड़ी थी और इसी के चलते सिक्किम के चौग्याल को अब ये डर सता रहा था कि अपनी इस बेइज्जती का बदला लेने के लिए ड्रैगन सिक्किम को निशाना बनाएगा और इसीलिए अब वो सिक्किम को भूटान जैसा एक अलग देश बनाने के लिए भारत सरकार के ऊपर दिन रात दबाव डाल रहा था। Looking to the future, sir, do you think the day will come when the Chinese will come and mean big business, as you put it? Well, we hope that time won't come, but one can't be sure. Because as we all know, China has said that their aim is, might say, international communism. So it could mean, in some future date, trouble. But then we all have to hope for the best and be prepared for the worst. सिक्किम क्षेत्र और आबादी के लिहाज से एक छोटा राज्य जरूर था लेकिन यहाँ की राजनीति छोटे स्तर की नहीं थी। शाही परिवार के पास भारत सरकार का समर्थन होने के बावजूद भी सिक्किम में चोग्याल विरोधी दलों नेताओं की कोई कमी नहीं थी। नेता जो किसी भी कीमत पर सिक्किम में प्रजातंत्र को बहाल होते हुए देखना चाहते थे और ऐसे ही एक बड़े स्थानीय नेता का नाम था काजी लेंदूप दोर्जी, सिक्किम नेशनल कांग्रेस का एक नेता जिसे सिक्किम के लोग प्यार से काजी कहकर बुलाया करते थे। सिक्किम में चल रहे इस खेल की स्थिति अब कुछ ये थी कि एक तरफ तो चोग्याल भारत से फुल सॉवरेनिटी की मांग कर रहा था, दूसरी तरफ डेमोक्रेसी चाहने वाले काजी जैसे नेता तेजी से लोकप्रियता प्राप्त कर रहे थे और तीसरी तरफ दो विदेशी महिलाओं की एंट्री से इस राजनीतिक खेल को अंतर्राष्ट्रीय मंच मिलने वाला था। १९५० के अंत में दिल्ली यात्रा के दौरान काजी की मुलाकात बेल्जियम में पढ़ी लिखी एक स्कॉटिश मूल की महिला से होती है, एक शादीशुदा महिला जिसका नाम था एलिसा मारिया लैंगफोर्ड रे। अपने एंग्लो बर्मीज पति के साथ बर्मा में कुछ साल बिताने के बाद एलिसा दिल्ली आ गई थी और जल्दी यहाँ के हाई सोसाइटी सर्कल्स में काफी समय बिताने लगी थी। इसी दौरान एक पार्टी में उसकी मुलाकात एक दिन काजी लेंदूप से होती है और 50 की आयु को पार कर चुके काजी और एलिसा को पहली नजर में एक दूसरे से प्यार हो जाता है। 2 साल डेट करने के बाद ये दोनों शादी कर लेते हैं। शादी के बाद एलिसा दार्जिलिंग के कैलिम्पोंग में रहने लगती है और जल्दी सिक्किम के लोग उसे काजिनी साहिबा कहकर बुलाने लगते हैं। काजी की काजिनी साहिबा जो अगले 1.5 दशक के दौरान सिक्किम की राजनीति में एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली थी।
साल 1959 की गर्मियों में सिक्किम के राजकुमार थोंडुम नामग्याल छुट्टियां मनाने दार्जिलिंग जाते हैं और विंडमेयर होटल की लाउंज में एक विदेशी लड़की को अपना दिल दे बैठते हैं। दार्जिलिंग के सालिशान होटल में होप कुक नाम की एक 19 वर्षीय अमेरिकन छात्रा भी छुट्टी मनाने आई हुई थी। इस समय 36 वर्ष के रहे थोंडुप की पहली पत्नी सामियो सांगी देकी का 1957 में देहांत हो गया था। अपनी पहली पत्नी से थोंडुप को एक बेटी और दो बेटे थे। बस कमी थी तो एक जीवन साथी की, जिसे अब होप पूरा करने वाली थी। दार्जिलिंग के रोमांटिक मौसम में एक दूसरे से मिले थोंडुप और होप कुक को प्यार हो गया था, लेकिन देखते ही देखते होप की छुट्टियां खत्म हो जाती हैं और वो न्यूयॉर्क अपने कॉलेज वापस चली जाती है, जिसके बाद से उसके और राजकुमार के बीच का रिश्ता लॉन्ग डिस्टेंस में बदल जाता है। लगभग 4 साल एक दूसरे को डेट करने के बाद मार्च 1963 में थोंडुप और होप एक दूसरे को अपना जीवन साथी बना लेते हैं और इसके ठीक 6 महीने बाद थोंडुप का राज्याभिषेक कर उसे सिक्किम का नया चोग्याल भी बना दिया जाता है। The Maharaja arrives at the Gompa or Buddhist temple for the marriage of his son and heir to the New York socialite Hope Cook. The ceremony is long, impressive, and to Westerners extremely complicated. The bride and groom wear similar rich ceremonial robes. To their palace walk the Crown Prince and his future queen, the first Westerner to marry into the royal family. A romance that began in a college field trip reaches its dazzling climax in this exotic kingdom. राजनीति की इस लकीर के दोनों तरफ विदेशी महिलाओं के आने से सिक्किम की राजनीति और उसके अंतरराष्ट्रीय स्टेटस में कई बड़े बदलाव आने लगते हैं। काजिनी एलिसा मारिया की वजह से दिल्ली के राजनीतिक वर्ग में अब सिक्किम की प्रो डेमोक्रेसी आवाजों को सुना जाने लगता है और उधर होप कुक के कॉन्टैक्ट्स के कारण अमेरिकन मीडिया में सिक्किम के चोग्याल को अच्छी खासी कवरेज मिलने लगती है। इसका नतीजा ये होता है कि अब अत्यंत ऊंचे राजनीतिक और डिप्लोमेटिक लेवल्स पर सिक्किम के ऊपर खुल के चर्चा होने लगती है और चोग्याल की सिक्किम को अलग देश बनाने की मांग और भी ज्यादा जोर पकड़ लेती है। सिक्किम में बुलंद हो रही इन आवाजों से नई दिल्ली का राजनीतिक तापमान भी बढ़ने लगता है और इसी के चलते सितंबर 1972 में भारत सरकार द्वारा चोग्याल के सामने एक अग्रीमेंट ऑफ परमानेंट एसोसिएशन प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन अपनी अलग देश की मांग को दोहराते हुए चोग्याल इस एग्रीमेंट को सिरे से खारिज कर देता है। चोग्याल के साथ बातचीत विफल होने के ठीक 2 महीने बाद श्रीमती गांधी अपने 2 सबसे विश्वसनीय सलाहकारों पीएन हक्सर और पीएन धर के साथ एक अत्यंत सीक्रेट मीटिंग करती हैं, जिसमें आरएनडीडब्ल्यू के चीफ रामेश्वर नाथ काउ भी हिस्सा लेते हैं। इस मीटिंग में कोई आधे घंटे इधर उधर की बातें करने के बाद काउ की तरफ देखते हुए श्रीमती गांधी कहती हैं, काउ साहब टाइम आ गया है, मुझे नहीं पता कि आप कैसे करेंगे, बट आई वॉन्ट सिक्किम टू बी पार्ट ऑफ इंडिया। प्रधानमंत्री से आदेश मिलते ही सबसे पहले आर एन काओ अपने एक ऑफिसर पी एन बैनर्जी को दिल्ली बुलवा लेते हैं। बैनर्जी इस समय कलकत्ता में स्थित आर एन डी डब्ल्यू और आई बी के रीजनल ऑफिसेज को हेड कर रहे थे। वो ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाने में एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके थे और सिक्किम के राजनीतिक वर्ग में उन्होंने कई बड़े लोगों को आर एन डी डब्ल्यू का एसेट भी बनाया हुआ था। नई दिल्ली में काओ और बैनर्जी सिक्किम के लिए अपना प्लान बनाने में लग जाते हैं, एक प्लान जिसके तहत चोग्याल को परमानेंट एसोसिएशन वाले समझौते पर साइन करने के लिए राजी किया जाना था और साइन होने के बाद कुछ भी करके उसका तख्ता पलट सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाना था। बैनर्जी के सुझाव पर इस टीम में अजीत सिंह सयाली नाम के एक और आरएनडीडब्ल्यू ऑफिसर को शामिल कर लिया जाता है। इस समय सयाली गैंगटॉक में ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी के तौर पर पोस्टेड थे और तिब्बत के ऊपर ट्रांसबॉर्डर इंटेलिजेंस इकट्ठा करने के लिए जिम्मेदार भी। श्रीमती गांधी के कहने पर उनके फॉरेन सेक्रेटरी केवल सिंह को भी आरएन काओ अपनी टीम में ले लेते हैं और फिर कुछ दिन बाद क्रिसमस के दिन आरएनडीडब्ल्यू की ये पूरी टीम श्रीमती गांधी के साथ इंडिया इंग्लैंड का मैच देखने कोटला स्टेडियम आती है, जहां मैच के नतीजे को ले लड़ रहे बैनर्जी और सयाली को टोकते हुए आरएन काओ कहते हैं, अरे बैनर्जी साहब इंग्लैंड ही जीतेगी, बस करो और सब मेरी बात ध्यान से सुनो। इस मिशन के बारे में प्रधानमंत्री और हम लोगों के अलावा किसी को कुछ पता नहीं चल सकता। वी कैन नॉट अफोर्ड टू हैव अ लीक। अपने अपने एसेट्स को एक्टिवेट करो, ऑपोजिशन लीडर्स की कुंडली तैयार करो, ये लोग क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, किसके अकाउंट में कितने पैसे हैं, कितने चक्कर चल रहे हैं और किसके साथ चल रहे हैं, सब कुछ पता करो। चोग्याल के वफादारों की एक लिस्ट बनाओ और अपने अपने इन्फॉर्मर्स को दो।
जिसको भी मोल बनाया जा सकता है उसे टारगेट करो और हाथ धो के उसके पीछे पड़ जाओ। एंड रिमेंबर जेंटलमैन, बी रुथलेस, बी अग्रेसिव बट बी टैक्टफुल। और हाँ, एक आखिरी बात, दिस मिशन विल बी कॉल्ड ऑपरेशन ट्वाइलाइट। ऑपरेशन ट्वाइलाइट को लॉन्च करने के लिए R&AW को इससे अच्छी टाइमिंग नहीं मिल सकती थी, क्योंकि इस समय सिक्किम की हवा में एक अजीब सी बेचैनी फैली हुई थी। सामाजिक वर्गों के बीच आय का अंतर तेजी से गहरा हो रहा था, पर एक बौद्ध राजा के राज में सिक्किम के नेपाली हिंदू समुदाय को रोजाना भारी पक्षपात का सामना करना पड़ रहा था। इसके ऊपर से आग में घी डालते हुए चोग्याल समर्थकों द्वारा अभी कुछ समय पहले चुनाव में बड़ी धांधली की गई थी, धांधली जो चोग्याल के शाही ताबूत में आखिरी कील होने वाली थी। कहने का मतलब यह कि सिक्किम में विद्रोह की चिंगारी को हवा देने के लिए परिस्थितियां एकदम अनुकूल थीं। सभी समुदायों में अपनी लोकप्रियता के चलते काजी इस विद्रोह का एक स्वाभाविक चेहरा होने वाले थे। चोग्याल के विरुद्ध ये राजनीतिक युद्ध लड़ने के लिए सिक्किम नेशनल कांग्रेस के काजी और जनता कांग्रेस के केसी प्रधान आपस में हाथ मिला लेते हैं और इस तरह एक चोग्याल विरोधी गठबंधन जन्म लेता है, जिसे नाम दिया जाता है ज्वाइंट एक्शन कमेटी, JAC। फरवरी के आखिरी हफ्ते में पीटर बर्ली नाम का एक अमेरिकन डिप्लोमेट चोग्याल से मिलने गैंगटॉक आता है। बर्ली इस समय कलकत्ता स्थित US कॉन्सुलेट में कार्यरत था और होप कुक के आग्रह पर उसके पति से मिलने आया था। चोग्याल के साथ चली अपनी मीटिंग के बाद पीटर बर्ली शाही महल में एक रात गुजारता है और अगले दिन की सुबह ट्रेन से वापस कलकत्ता के लिए निकल जाता है, लेकिन कलकत्ता पहुंच नहीं पाता। जैसे ही उसकी ट्रेन बहरामपुर आकर रुकती है, RPF के कुछ सिपाही उसे ट्रेन से नीचे उतार स्टेशन मास्टर के ऑफिस में ले जाकर बिठा देते हैं। वो बार बार अपना आईडी कार्ड दिखा उनसे पूछता है कि उसके साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है, लेकिन उसे कोई उत्तर नहीं मिलता। और लगभग एक घंटे ऐसे ही सस्पेंस में रहने के बाद उसके कमरे में PN बनर्जी की एंट्री होती है। तो मिस्टर बर्ली, कैसा रहा चोग्याल के साथ आपका मीटिंग, कैसा रहा? सिगरेट के कश भर रहे बैनर्जी के मुंह से सुन बर्ली के चेहरे का रंग उड़ जाता है। Who the hell are you and what do you want from me? मिस्टर बर्ली, हमारा नाम PN बैनर्जी एंड आई वर्क फॉर मिस्टर काओ, आर्यन काओ। काओ का नाम सुनते ही बर्ली कांपना शुरू कर देता है, तो उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बैनर्जी आगे कहते हैं, अरे नो नीड टू बी अपरेट मिस्टर बर्ली, हम तो बस ये जानना चाहता है कि वो चोग्याल के साथ आपका क्या बात हुआ है? जैसे आप हमें सब कुछ बताएगा, हम आपको खुद कलकत्ता तक छोड़ के आएगा, आई प्रॉमिस। यू सी, हमको सब पता है। हमको पता है कि यू वर्क फॉर CIA है। असल में पीटर बर्ली CIA का एक अंडरकवर एजेंट था और कलकत्ता स्थित US कॉन्सुलेट में एक पॉलिटिकल ऑफिसर के कवर में काम कर रहा था। अपनी असली पहचान बाहर आने के बाद भी बर्ली आनाकानी करना जारी रखता है, तो अपने चेहरे पर थोड़ी सी गंभीरता लाते हुए बैनर्जी उससे आगे कहते हैं, अब आप तो कुछ बोल ही नहीं रहे मिस्टर बर्ली, तो चलिए हम ही आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाता है, लेकिन जरा ध्यान से सुनिएगा, ओके? आज से कोई 7-8 महीना पहले कोलकाता के पुलिस स्टेशन में एक बंगाली लड़की आया। मिस्टर बर्ली, उस बेचारी के साथ किसी ने गलत काम करने का कोशिश किया था और उस आदमी के खिलाफ रिपोर्ट लिखाना चाहता था। उसने अपना रिपोर्ट लिखाया भी, लेकिन हम ही जानी ना फिर क्या हुआ, पुलिस के पास ऊपर से एक फ़ोन आया और उन्होंने उसका कंप्लेंट गायब कर दिया और उस बेचारा लड़की का मुंह में पैसा डाल के उसका मुंह भी बंद कर दिया। अब मजे का बात यह है मिस्टर बर्ली कि आप उस लड़की को बहुत अच्छे से जानता है, बोलिए तो आपका उसके साथ मीटिंग करवा दूं, हाँ बताइए। पीटर बर्ली नाम का CIA ऑपरेटिव फूट फूट के रोना शुरू कर देता है और बहुत देर तक रोने के बाद बैनर्जी के सामने सब कुछ तोते की तरह उगल देता है। मिस्टर बैनर्जी, वो चोग्याल अपने खिलाफ चल रहे प्रदर्शनों से बहुत ज़्यादा परेशान हो गया है और अपने विरोधियों को दबाने के लिए हमसे यानी अमेरिका से मदद चाहता है। उसने कहा कि अगर हमने उसकी मदद नहीं की तो उसके पास इंडियन गवर्नमेंट से मदद लेने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होगा। बर्ली से सुन काफ़ी देर तक कुछ सोचने के बाद बैनर्जी कहते हैं, और कोई बात मिस्टर बर्ली जो आपको लगता है कि हमको मालूम होना चाहिए? हाँ मिस्टर बैनर्जी, वो चोग्याल काजी से भी मिल रहा है, दोनों के बीच कई सीक्रेट मीटिंग्स हो चुकी हैं। थैंक यू सो मच मिस्टर बर्ली, अब आप जा सकता है, यू आर फ्री टू गो। अरे सुनो, साहब को छोड़ के आओ। ये सुनने के बाद जैसे ही बर्ली अपनी कुर्सी से खड़ा हो पीछे की तरफ घूमता है, उसके कानों में एक बार फिर बैनर्जी की आवाज आती है, मिस्टर बर्ली बस इतना याद रखिएगा कि नाउ योर एस बिलोंग्स टू द R&AW।
पीटर बर्ली से मिले इंटेलिजेंस को पढ़ते ही आर्यन काओ समझ जाते हैं कि अब काजी से मिलने का समय आ चुका है और इसी के साथ नई दिल्ली में ऑपरेशन का पहिया भी तेज रफ्तार से घूमने लगता है। सिक्किम में चोग्याल को कुर्सी से हटाने और डेमोक्रेसी स्थापित करने के लिए मार्च 1973 में पीएमओ आर्यन डब्ल्यू और विदेश मंत्रालय की एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई जाती है। कई घंटों तक चली इस मीटिंग में लिए गए निर्णयों में से कुछ इस प्रकार थे। चोग्याल के विरुद्ध आंदोलन को तब तक बढ़ावा दिया जाएगा जब तक कि वो खुद भारत सरकार के सामने मदद की गुहार न लगाने लगे। इस बात की ज्यादा से ज्यादा पब्लिसिटी की जाएगी कि अपनी वंशावली के कारण चोग्याल के पास गद्दी पर बने रहने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। सिक्किम के स्थानीय अखबारों में आंदोलन का भरपूर प्रचार किया जाएगा। जैसे ही आंदोलन आवेग प्राप्त करने लगेगा और राज्य की कानून व्यवस्था बिगड़ेगी, सिक्किम में भारतीय फौज को भेज दिया जाएगा। 4 अप्रैल 1973 को अपने 50वें जन्मदिन पर जब चोग्याल भाषण दे रहा होगा तो उसके पैलेस के बाहर एक विशालकाय प्रदर्शन का आयोजन करवाया जाएगा। काजी समेत सभी एंटी चोग्याल नेता और पार्टियों को यह विश्वास दिलाया जाएगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, 1949 की तरह भारत सरकार उन्हें इस बार धोखा नहीं देगी और उन्हें जितने भी पैसे की आवश्यकता होगी उतने पैसे उन्हें अवश्य दिए जाएंगे। इस मीटिंग के अगले दिन से ही सिक्किम में ग्राउंड पर मौजूद आरएनडब्ल्यू की स्पेशल ऑपरेशंस टीम अपने काम पर लग जाती है। चार अप्रैल 1973 को जब चोग्याल अपना जन्मदिन मना रहा था तब अचानक गैंगटॉक की दुकानों के शटर एक एक कर बंद होने लगते हैं। सड़कों पर छोटे मोटे दंगे शुरू हो जाते हैं और हजारों लोगों की एक भीड़ पैलेस के बाहर इकट्ठा हो चोग्याल के खिलाफ नारे लगाना शुरू कर देती है। इसी दिन रात को चोग्याल का बड़ा बेटा तेंजिंग बाहर से पार्टी करने के बाद पैलेस वापस लौट रहा था के रास्ते में उसे प्रदर्शनकारियों की एक भीड़ द्वारा रोक लिया जाता है। तेंजिंग की सुरक्षा में तैनात सिक्किम गार्ड्स बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और इसी घबराहट में एक गार्ड भीड़ के ऊपर फायरिंग ओपन कर देता है। चोग्याल और शाही परिवार की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार सिक्किम गार्ड्स की इस फायरिंग में 6 लोग मारे जाते हैं। चोग्याल के आदमी इस घटना को दबाने का पूरा प्रयास करते हैं और वो ऐसा करने में शायद सफल भी हो जाते अगर शाही महल के अंदर एएसआईएलई का एक इन्फॉर्मर काम न कर रहा होता। इधर सिक्किम गार्ड्स के हाथों 6 सिविलियंस मारे जाते हैं और उधर एएसआईएलई को तुरंत इसकी जानकारी मिल जाती है। वो फटाफट काजी को फोन लगा इस घटना का पूरा पूरा फायदा उठाने की सलाह देते हैं। अगले कुछ घंटों के अंदर जेएसी के नेताओं के घर पैसों से भरे बैग्स पहुंचने लगते हैं और अगले दिन की सुबह होते होते गैंगटॉक की सड़कों पर हो रहे विरोध प्रदर्शन हिंसक रूप लेने लगते हैं और दुकानों में लूटपाट की घटनाएं भी शुरू हो जाती हैं। काजी और जेएसी के दूसरे नेता अब चोग्याल के ऊपर और भी ज्यादा कड़े प्रहार करने लगते हैं। पैलेस के बाहर खड़ी भीड़ जो अब तक हजारों में थी देखते ही देखते लाखों में पहुंच जाती है और चोग्याल की आखिरी उम्मीद पीटर बर्ली भी अब उसका और उसकी पत्नी का फोन उठाना बंद कर देता है। चोग्याल समझ जाता है कि अब उसके पास अपनी राजगद्दी बचाने का केवल एक ही मार्ग है, नई दिल्ली से सहायता की गुहार लगाने वाला मार्ग। 9 अप्रैल के दिन काओ के कहने पर गैंगटॉक में पोस्टेड एक पीओ यानी के पॉलिटिकल ऑफिसर के एस बाजपाई अपने सेक्रेटरी गुरदीप बेदी को एक ड्राफ्ट लेटर के साथ पैलेस भेज देते हैं। भारत सरकार द्वारा लिखा गया ये ड्राफ्ट जिसे चोग्याल के लेटर हेड के ऊपर टाइप करवा उसके हस्ताक्षर करवाए जाने थे। इस कागज को लिए जब बेदी पैलेस के अंदर प्रवेश करते हैं तो उनकी नजर गार्डन में बैठे चोग्याल के ऊपर पड़ती है जो चारों तरफ अपने सलाहकारों से घिरा हुआ था। गार्डन में पहुंच बेदी अपने दोनों हाथों से वो ड्राफ्ट चोग्याल को थमा देते हैं और इसको पढ़ने के बाद गुस्से के मारे चिल्लाता हुआ चोग्याल पैलेस के अंदर चला जाता है। सिक्किम के चोग्याल का यह गुस्सा बेवजह नहीं था। भारत सरकार द्वारा भिजवाए गए इस कागज के टुकड़े पर बातें ही कुछ ऐसी लिखी हुई थीं। इस ड्राफ्ट के अनुसार क्योंकि सिक्किम में कानून व्यवस्था पूरी तरह बिगड़ चुकी थी इसलिए अब सिक्किम का प्रशासन भारत सरकार के नियंत्रण में होने वाला था और चोग्याल के आदेश पर अब से सिक्किम गार्ड्स और पुलिस कमिश्नर इंडियन आर्मी की माउंटेन डिवीजन को रिपोर्ट करने वाले थे। कई बार पैलेस के अंदर बाहर चक्कर लगाने के बाद चोग्याल का एक एडवाइजर बेदी से कहता है कि महाराजा साहब इस लेटर पर साइन करने को तैयार हैं, बस उनकी एक छोटी सी शर्त है, वो ये कि कृपा करके मिसेस गांधी सिक्किम गार्ड से उनका कंट्रोल न छीने। इस समय पैलेस की सारी टेलीफोन लाइंस डेड पड़ी हुई थी और बाहर प्रदर्शन भी उग्र रूप लेता जा रहा था, इसीलिए बेदी चोग्याल की शर्त को मान लेते हैं और उसका साइन किया हुआ लेटर ले तुरंत इंडिया हाउस के लिए निकल जाते हैं। As also the Sikkimese Joint Council of Action, formed of political parties protesting against the elections, appealed to India to enforce law and order.
Negotiations between the Chogyal and the Joint Council of Action failed, and a mammoth crowd marched on Gangtok. इसी के साथ RNDAW और भारत सरकार का पहला उद्देश्य पूरा हो जाता है। आज से सिक्किम का प्रशासन भारत सरकार के नियंत्रण में था। चोग्याल से स्वीकृति मिलने के तुरंत बाद यूपी कैडर के एक दबंग आईपीएस ऑफिसर बीएस दास को सिक्किम का चीफ एग्जीक्यूटिव नियुक्त कर दिया जाता है। 10 अप्रैल 1973 के दिन बीएस दास सिक्किम पहुंच चीफ एग्जीक्यूटिव का पदभार ग्रहण कर लेते हैं और इसी के साथ ऑपरेशन ट्वाइलाइट के अगले चरण को भी लॉन्च कर दिया जाता है। एक हफ्ते बाद केवल सिंह भी गैंगटॉक पहुंच सिक्किम के कुछ बड़े नेताओं चोग्याल से मीटिंग्स करने में लग जाते हैं। वो सबसे पहले चोग्याल से मिल उसे विश्वास दिलाते हुए कहते हैं, योर हाइनेस, मैं आपको वचन देता हूं कि भारत सरकार हर कीमत पर आपके सिंहासन की रक्षा करेगी और 1950 में आपके साथ हुई संधि का पूरा सम्मान भी। इसके अगले ही दिन फॉरेन सेक्रेटरी चोग्याल विरोधी गठबंधन के नेताओं से मिलते हैं। जेंटलमैन, मिसेस गांधी अतीत की गलतियों को सुधारना चाहती हैं और इस समय उनका केवल एक ही उद्देश्य है, चोग्याल को उसके सिंहासन से उतार सिक्किम में प्रजातंत्र की बहाली करना, और इसके लिए भारत सरकार आपको जो भी मदद चाहिए वो मदद देगी। इन मीटिंग्स के बाद केवल सिंह दिल्ली लौट जाते हैं और काओ के साथ मिले एक त्रिपक्षीय समझौते पर काम करना शुरू कर देते हैं, एक समझौता जिसे चोग्याल, जेईसी के नेताओं और भारत सरकार द्वारा साइन किया जाना था। रोज बढ़ रहे प्रदर्शनों के दबाव में 8 मई 1973 के दिन चोग्याल इस त्रिपक्षीय समझौते के ऊपर अपने हस्ताक्षर कर देता है, एक ऐतिहासिक समझौता जिस पर भारत सरकार की ओर से केवल सिंह और जेईसी की तरफ से केसी प्रधान द्वारा साइन किए गए थे। इस एग्रीमेंट के तहत सिक्किम गार्ड्स और महल का प्रशासन छोड़ सिक्किम की हर चीज चोग्याल से छीन ली गई थी। कहने का मतलब यह कि सिक्किम का कंट्रोल अब चोग्याल के हाथों से निकल नई दिल्ली के पास चला गया था। इस समझौते के अनुसार अब हर 4 सालों के बाद सिक्किम में लेजिस्लेटिव काउंसिल का चुनाव किया जाना था और साथ ही ये भी सुनिश्चित किया जाना था कि भविष्य में सिक्किम के ऊपर किसी एक समुदाय विशेष का प्रभुत्व कभी ना होने पाए। इस समझौते के कारण सबसे बड़ा बदलाव ये आया था कि भारत सरकार का एक अधिकारी अब सिक्किम का वर्चुअल मुख्यमंत्री बन गया था और सिक्किम की भावी सरकारों में किस मंत्री को कौन सा मंत्रालय दिया जाएगा ये भी अब उसी की मर्जी से होने वाला था। इस समझौते के बाद श्रीमती गांधी आर.एन. काओ को सख्त निर्देश देती हैं कि अब सिक्किम के विलय में और ज्यादा विलंब नहीं होनी चाहिए और काओ भी इस बात से पूरी तरह सहमत थे। वो चोग्याल को भारत सरकार के विरुद्ध जाने या फिर इस समझौते से पलटी मारने का समय नहीं देना चाहते थे, इसीलिए तुरंत अपनी स्पेशल ऑप्स टीम के साथ एक मीटिंग बुला वो उन्हें अगले कुछ महीनों का प्लान ऑफ एक्शन समझाने में लग जाते हैं। इस प्लान के तहत चोग्याल के विरुद्ध प्रदर्शन करने और पूरे सिक्किम में रैलियां निकालने के लिए जेएसी को हर संभव सहायता दी जानी थी। भविष्य में सिक्किम की राजनीतिक पार्टियों के बीच होने वाले किसी भी समझौते में भारत सरकार की पोजीशन को और ज्यादा मजबूत किया जाना था। RNDAW को यह भी सुनिश्चित करना था कि सिक्किम के भावी सेटअप में न ही नेपालियों का प्रभुत्व हो और न ही भूटिया लेप्चा समुदाय का, और भविष्य में यदि एक समूह को दूसरे से भिड़वाने की आवश्यकता पड़े तो इसके लिए भी सिक्किम की राजनीति में पर्याप्त जगह हो। काओ के इस मास्टर प्लान का आखिरी पॉइंट ये था कि सिक्किम में हालात पूरी तरह सामान्य होने से पहले पहले चोग्याल फाइनल समझौते के लिए तैयार हो जाना चाहिए, जिससे कि मोल भाव करते समय भारत सरकार का पलड़ा उसके मुकाबले कहीं ज्यादा भारी हो। इसके बाद आर.एन. काओ, केवल सिंह और पी.एन. बनर्जी सिक्किम में होने वाले चुनाव के ऊपर अपनी रणनीति बनाने में लग जाते हैं। चुनाव के लिए अपना डिटेल्ड प्लान मेज पर रखते हुए काओ सबसे कहते हैं, जेंटलमैन, हमें अपनी पोजीशन को इतना मजबूत करना है कि पहली विधानसभा में कम से कम 70% विधायक हमारे हों, और मुझे आपको ये भी बताने की जरूरत नहीं है कि अब से लेकर चुनाव होने तक यानी अगले कुछ महीनों के दौरान हमें अपने दोस्तों के ऊपर पैसा पानी की तरह बहाना होगा। आर.एन. काओ का यह प्लान अपने दिमाग में छाप स्पेशल ऑपरेशंस टीम अगले फेज पर काम शुरू करती ही है कि तभी कहानी में एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है। एक कैरेक्टर जो RNDAW के रास्ते में एक कांटे बोने का प्रयास कर रहा था।
इस कैरेक्टर का नाम था कुकुला और ये चोग्याल की बहन यानी सिक्किम की राजकुमारी थी। कुकुला और उसके बच्चे यूएस और यूएन में अपने और होप के कॉन्टैक्ट्स का प्रयोग कर भारत के ऊपर कुछ अत्यंत गंभीर और झूठे आरोप लगवा रहे थे और दिल्ली में रहने वाले भूटिया लेपचा छात्रों को सरकार के खिलाफ भड़काने का काम भी कर रहे थे। सिक्किम की इस राजकुमारी से निपटने का जिम्मा भी पीएन बनर्जी को ही सौंपा जाता है और कई बार प्रयास करने के बाद वो उनसे दार्जिलिंग में मिलने को तैयार हो जाती है। यस यू आर बनर्जी। यस हर हाइनेस। नमस्ते। ये नमस्ते वमस्ते छोड़िए और जो भी कहना है जल्दी कहिए, ज्यादा टाइम नहीं है मेरे पास, मुझे कहीं जाना है। सीधे साधे से दिखने वाले बनर्जी को देख शाही परिवार की नकचढ़ी राजकुमारी कैफे में घुसते ही उनके ऊपर चढ़ाई कर देती है, लेकिन दार्जिलिंग की चाय का आनंद ले रहे बनर्जी के ऊपर इसका कोई असर नहीं होता। आई एम सॉरी हर हाइनेस, बट आप ये क्या कर रहा है? आप इंडिया के खिलाफ ये सब प्रोपेगेंडा क्यों कर रहा है? व्हाई, व्हाट्स द नीड? अभी देखो, ये अच्छा बात नहीं है। आप ऐसा करेगा तो आप जो कर रहे हैं वो ठीक है। इससे पहले के बनर्जी की बात पूरी हो पाती कुकुला उनके ऊपर चिल्लाना शुरू कर देती है। आपको क्या लगता है मैं, मेरा भाई, भाभी हम सब अंधे हैं? हमें नहीं पता कि आपकी वो मिसेस गांधी हमारे साथ क्या करना चाहती हैं? आप हमें हमारे महल से बाहर निकाल फेंके और हम चुपचाप तमाशा देखते रहे? वाह, वेरी गुड। नहीं बनर्जी साहब, नहीं, कम से कम मैं तो चुप नहीं बैठूंगी। कुकुला का यह अत्यंत उग्र रूप देखने के बाद भी बनर्जी के चेहरे का भाव जरा सा भी नहीं बदलता और वो आराम से अपनी चाय खत्म करने के बाद उससे कहते हैं, हर आईने सब हम आपके सामने क्या बोल सकता है, आप इतना बड़ा राजकुमारी है, सब जानता है, लेकिन फिर भी आपका गुस्सा ठंड करने के लिए आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाता है। अपनी जेब से चार मीनार की सिगरेट निकाल उसे जलाने के बाद बनर्जी राजकुमारी को अपना एक किस्सा सुनाना शुरू कर देते हैं। अभी से कोई 2 बरस पहले का बात है हर हाइनेस, एक राजकुमारी के हाथ भगवान का एक बहुत पुराना मूर्ति लगा। अब राजकुमारी को आइडिया आया कि मेरा तो अमेरिका में बहुत सारा वो कनेक्शंस है, वहाँ तो इसका खूब भालो दाम मिलेगा, क्यों ना अमेरिका जाके इसको बेच दूँ। लेकिन इससे पहले वो बेचारा ऐसा कर पाता, वो कस्टम वाला बहुत गोंदा लोग होता है हर हाइनेस, उस आला लोग दिल्ली एयरपोर्ट पे उसे मूर्ति के साथ पकड़ लिया, बेचारा राजकुमारी से वो मूर्ति भी छीन लिया। बोलो कितना गंदा बात है, कोई ऐसा करता है? लेकिन देखो हर हाइनेस, ये खबर ना कोई अखबार में आया, ना किसी को पता चला, वो मूर्ति अभी भी वो साला वो कस्टम वालों ने अपने पास रखा हुआ है, वहीं पे रखा है उनके पास। आप दिल्ली जाके देखना चाहेगा उस मूर्ति को? थोड़ी देर पहले तक शेरनी की तरह दहाड़ रही कुकुला ये कहानी सुन बुरी तरह सहम जाती है और बनर्जी के सामने अपने दोनों हाथ जोड़ रोने लगती है, तो अपनी जेब से सफेद रुमाल निकाल उसके सामने रखते हुए बनर्जी आगे कहते हैं, आपका और आपके बच्चों का सारा एंटी इंडिया एक्टिविटी तुरंत बंद हो जाना चाहिए, और वैसे भी हर हाइनेस वो तिहाड़ का खाना तुम्हें अटा पहुँचाऊ कर देना। कुकुला समझ जाती है कि इस बार भारत सरकार मजाक के मूड में नहीं है और अगर उसने अपनी हरकतें बंद नहीं की तो उसका वो मूर्ति वाला स्मगलिंग केस रीओपन कर दिया जाएगा और ऐसा होना उसके हाईफाई सोशल स्टेटस के लिए कतई अच्छा नहीं होगा। अगले 6 महीनों के दौरान ऑपरेशन ट्वाइलाइट के दूसरे फेज को फुल स्पीड में आगे बढ़ाया जाता है और इस फेज के लिए काओ R&AW के एक और OSD GBS सिद्धू को भी अपनी टीम में शामिल कर लेते हैं। देखते ही देखते सिक्किम में पहले विधानसभा चुनाव का समय आ जाता है। 13 अप्रैल 1974 के दिन हुए इस चुनाव में सबको चौंकाते हुए काजी को 32 में से 31 सीटों पर जीत प्राप्त होती है। यह जीत भारत सरकार और यहाँ तक कि राजनीतिक गणित के मास्टर R&Kao की अपेक्षाओं से भी कहीं ज्यादा बड़ी थी। इस जीत का मतलब ये था कि विधानसभा के जरिए काजी सिक्किम को भारत में मिलाने का रास्ता साफ कर सकते थे। R&AW और विदेश मंत्रालय के सुझाव पर अब काजी को विधानसभा से गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम एक्ट 1974 पास करवाना था, जिसके बाद सिक्किम को भारत के एसोसिएट राज्य का दर्जा मिल जाता और भारत में उसका विलय एक औपचारिकता मात्र रह जाती। लेकिन ये कहने और सुनने में आसान था, करने में नहीं, क्योंकि हथियारों से लैस हजारों सिक्किम गार्ड्स अभी भी चोग्याल के कंट्रोल में थे। गैंगटॉक में पोस्टेड एक पॉलिटिकल ऑफिसर और विदेश मंत्रालय इस रेजोल्यूशन को पास करवाने के लिए जमीनी स्तर पर अपना काम करना शुरू कर चुके थे और पर्दे के पीछे रहते हुए R&AW को यह सुनिश्चित करना था कि ऑपरेशन के इस अंतिम चरण में जान माल का नुकसान न हो। इस समय R&AW की सबसे बड़ी चुनौती थी कम से कम हिंसा का प्रयोग कर सिक्किम गार्ड्स को डिसार्म करना,
मतलब R&AW को हिंसा का प्रयोग तो करना था, लेकिन इसमें किसी की जान नहीं जानी चाहिए थी। ये काम दोधारी तलवार पर चलने से कम नहीं था। और आर्यन काओ जानते थे कि इंटेलिजेंस की दुनिया में केवल एक ही आदमी है जो बड़े आराम से ऐसा कर सकता है। ग्राउंड पर मौजूद स्पेशल ऑप्स टीम के साथ कुछ मीटिंग्स करने के बाद नायर अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक विस्तृत प्लान तैयार करते हैं। प्लान जो इस बात की अक्कासी कर रहा था कि भारत की अखंडता को बनाए रखने के लिए R&AW किसी भी हद तक जा सकती है। इस प्लान के तहत सिक्किम गार्ड से उनके हथियार लेने का काम 8 या 9 अप्रैल 1975 के दिन किया जाना था। इससे पहले राज्य भर में ऐसी रैलियों का आयोजन किया जाना था जिनमें सिक्किम गार्ड्स और चोग्याल को भंग करने और सिक्किम को भारत में मिलाने की मांग पूरे जोर शोर से उठाई जाए। आवश्यकता पड़ने पर डमी फायरिंग और ग्रेनेड हमलों के बहाने सिक्किम गार्ड्स को हल्की फुल्की हिंसक घटनाओं में उलझा कर रखा जाना था, जिससे कि मुख्यमंत्री काजी को सिक्किम गार्ड्स को भंग करने के लिए मजबूत कारण मिल सके। 8 अप्रैल को रात 8 बजे तक प्रेस को एक हैंडआउट दिया जाना था जिसमें सिक्किम गार्ड्स और शाही समर्थकों द्वारा की जाने वाली हिंसा और नेपालियों के दमन की घटनाएं विस्तार में लिखी हों। सिक्किम गार्ड्स के डिसआर्म होने के बाद भी राज्य भर में प्रदर्शन और रैलियां ऐसे ही चलने वाले थे। इन रैलियों में सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य बनाने की मांग को पुरजोर तरीके से उठाया जाना था। सिक्किम से चोग्याल सिस्टम को पूरी तरह भंग करने के लिए विधानसभा में एक रेजोल्यूशन पास करवाया जाना था और अंततः इस बात का पूरा ध्यान रखा जाना था कि चोग्याल सिक्किम छोड़कर बाहर न जाने पाए। पहले से बाहर जाने वाले हर रास्ते पर बैरियर्स और 24/7 पहरा होने वाला था। अगर चोग्याल असाइलम की मांग करता है तो उसे बिना किसी विलंब इंडिया हाउस में शिफ्ट किया जाना था और फिर CRPF की कड़ी निगरानी में उसे गैंगटॉक स्थित R&AW के एक सेफ हाउस ले जाया जाना था, जहां उसे तब तक रहना था जब तक कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में सिक्किम की खबरें ठंडी ना पड़ जाएं। अगले कुछ दिनों के दौरान सिक्किम में ग्राउंड पर होने वाली एक एक घटना वर्ड बाय वर्ड काओ और नायर की स्क्रिप्ट के अनुसार होती है। कुछ दिन बाद मुख्यमंत्री काजी भारत सरकार को 2 चिट्ठियां लिखते हैं। एक चिट्ठी में तो वो सिक्किम गार्ड्स को डिसआर्म करने का आग्रह करते हैं और दूसरी में सिक्किम विधानसभा का एक आपातकाल सत्र बुलाने की सूचना देते हैं। काजी से चिट्ठी मिलते ही सिक्किम गार्ड्स को डिसआर्म करने के लिए 64 माउंटेन ब्रिगेड के CO ब्रिगेडियर देपिंदर सिंह को अपने ट्रूप्स तैयार करने का आदेश दे दिया जाता है। अगले दिन की सुबह ब्रिगेडियर सिंह सिक्किम गार्ड्स के CO कर्नल KS गुरुंग को 64 ब्रिगेड के हेडक्वार्टर्स पर मीटिंग के लिए बुलाते हैं, लेकिन मीटिंग खत्म होने के बाद भी उन्हें वहां से जाने नहीं देते। ऑपरेशन ट्वाइलाइट पूरा होने तक अब कर्नल गुरुंग को यहीं रहना था। इसके बाद अगले 1 घंटे के अंदर 64 ब्रिगेड की 3 बटालियंस गैंगटॉक की सड़कों पर मार्च कर रही होती हैं। चोग्याल के महल की तरफ बढ़ रहे भारतीय ट्रूप्स का सिक्किम की जनता द्वारा दिल खोलकर स्वागत किया जाता है, लेकिन जैसे ही भारतीय फौजी पैलेस के गेट पर पहुंचते हैं, यहां खड़ा सिक्किम गार्ड्स का एक जवान उनके ऊपर फायरिंग ओपन कर देता है। ना चाहते हुए भी भारतीय फौज को जवाबी फायरिंग करनी पड़ती है और ये जवान मौके पर ही दम तोड़ देता है। इसके बाद सिक्किम गार्ड्स में एक दहशत सी फैल जाती है और उनसे उनके हथियार वापस लेने में भारतीय फौज को केवल 20 मिनट का समय लगता है। अपने शाही फौजियों के हाथ से उनके हथियार छिनते देख चोग्याल गुस्से के मारे बिल बिल उठता है, लेकिन भारतीय फौज को गालियां देने के अलावा और कुछ नहीं कर पाता। अगले दिन सिक्किम के विधानसभा में एक इमरजेंसी सेशन बुलाया जाता है। सदन के अंदर 29 MLAs की उपस्थिति में 2 रेजोल्यूशन प्रस्तुत कर दिए जाते हैं और सदन के बाहर 3,000 लोगों की भीड़ जोर जोर से चोग्याल के विरुद्ध और भारत के समर्थन में नारे लगा रही होती है। इन ऐतिहासिक दृश्यों के बीच प्रस्तुत किए गए 2 रेजोल्यूशन को सर्वसम्मति से पास कर दिया जाता है, जिसका मतलब ये था कि सिक्किम की जनता ने चोग्याल के राजतंत्र को खत्म कर भारत के प्रजातंत्र को अपना लिया था। इसके अगले दिन यानी कि 11 अप्रैल 1975 को भारत के विदेश मंत्री YB चव्हाण संसद में खड़े होते हैं और पूरी दुनिया को सिक्किम में घट रही घटनाओं से अवगत कराते हैं। सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य बनाने के लिए भारतीय संसद द्वारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल भी पास कर दिया जाता है। 15 मई 1975 के दिन भारत के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद इस बिल के ऊपर अपने हस्ताक्षर कर देते हैं और इसी के साथ सिक्किम के ऊपर यूनियन ऑफ इंडिया का 22वां राज्य बनने की आधिकारिक मोहर भी लग जाती है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ पूरे 27 महीने चले R&AW के ऑपरेशन ट्वाइलाइट को आधिकारिक रूप से बंद कर दिया जाता है।
इस समय तक केवल 10 साल से भी कम आयु के रहे R&AW के लिए एक और बहुत बड़ी उपलब्धि थी। ये इस बात की गवाही थी कि अगर खुला हाथ दिया जाए तो भारत के इंटेलिजेंस एजेंसी CIA, KGB और मोसाद से भी ज्यादा अच्छा काम करके दिखा सकती है। वो ऑपरेशन ट्वाइलाइट जिसको दिल्ली से आर्यन काव जैसे दिग्गज द्वारा डायरेक्ट किया गया था, और जमीन पर जिस ऑपरेशन की एक एक चाल को PN बैनर्जी, AS सयाली और GBS सिद्धू जैसे अत्यंत तेज ऑफिसर्स ने एग्जीक्यूट किया था, वो ऑपरेशन ट्वाइलाइट आज दुनिया भर में कोवर्ट पॉलिटिकल मिशंस की किताबों का हिस्सा बन चुका है। चीन जैसे पड़ोसी के बगल में एक ऑपरेशन को पूर्ण गोपनीयता के साथ अंजाम देना, ये कोई मामूली उपलब्धि नहीं है। ISI और CIA जैसी अत्यंत शातिर एजेंसीज को चकमा दे एक राजा को उसके सिंहासन से विस्थापित करना, ये भी कोई मामूली उपलब्धि नहीं है। ये वो उपलब्धियां हैं जिनके लिए दूसरे देशों में एजेंट्स को मेडल ऑफ ऑनर्स दिए जाते हैं, लेकिन हमारे भारत में मेडल देना तो दूर की बात, ऐसे एजेंट्स का बजट तक भी आधा कर दिया जाता है।